तो 6.1 फ्रैक्शंस चैप्टर में होमवर्क में था आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 6 to 10। ठीक है, 5 तक आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो बताओ क्या 7th क्वेश्चन क्या 6th क्वेश्चन आप लोगों से हो गया? यस सर हो गया। यस सर हो गया। 6th क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि इसे असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, मतलब बड़े से छोटे तक जमाना है आपको या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है। असेंडिंग का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, और फ्रैक्शंस दे रखे हैं आप लोगों को 1/3, 2/5, 4/15, 3/10, 5/20। ये 5/20 को 1/4 लिख दे क्या? और 6/21 को 3 की टेबल से कट करके 2/7 लिख दो। कोई प्रॉब्लम? नो सर, हाँ तो डायरेक्ट भी सॉल्व करोगे तब भी आंसर सेम आएगा, चिंता की बात नहीं है, लेकिन कट करना चाहो तो कर दो, या अगर नहीं भी करना चाहो तब भी आंसर सेम ही आता है। तो मेरे ख्याल से ज्यादातर बच्चों ने कट नहीं किया होगा, चलो हम भी नहीं करते फिर। 6/21 क्या करोगे? सबसे पहले एलसीएम लेना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। दो से ज्यादा फ्रैक्शन अगर प्रेजेंट है क्वेश्चन में तो कंपैरिजन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, अगर हमें एलसीएम लेना नहीं आता तो। ये 3/5/20 ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। एलसीएम लोगे सबसे पहले 480 बता रहे हैं। कौन शोर कर रहा है? अब माइक बंद करो अपना। टू से करोगे तो 3 का तो 3 रहेगा, 5 विल बी 5, 15 का भी कुछ नहीं हो सकता, 10 हो जाएगा 5, 20 हो जाएगा 10, और ये 21 का 21 रहेगा। अगेन 2, ये देगा 3, देन 5, देन 15, देन 5, देन 5, देन 21। इस बार 3 लोगे तो ये हो जाएगा 1, कॉमा 5 का कुछ नहीं हो सकता, यहाँ 5 आ जाएगा। 5 लोगे तो 5 आकर के तबाही मचा देगा, 1, 1, 1, 1 और 7। LCM दो बार 2 आएगा, एक बार 3 आएगा, एक बार 5 आएगा, एक बार 7 आएगा, तो ये बनेगा 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20, 20 = 60, 420। तो 480 जिसका आया था एक बार रीचेक करो, कैलकुलेशन मिस्टेक है मेरे ख्याल से। 420 बोले थे ठीक है, नहीं किसी ने 480 भी बोला था? नो सर, वो मैंने 420 बोला था। ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/3 को हमें क्या करना है, इस तरीके से 3 से मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पे क्या बनना चाहिए, 420 बनना चाहिए। तो सर इसको 140 से कर देंगे। 140 से करना पड़ेगा आपको, और नीचे करोगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ऊपर करोगे तो 140 बनेगा, ये काम खत्म। 84 से ही करना पड़ेगा, ये देगा 168 तो लिखा है। नेक्स्ट है 5/20। 105/420 Yes sir. Yes sir. Sir, next 26. सबसे छोटा सर, सबसे छोटा है हमारा
520 उसके बाद 14 उसके बाद 20 उसके बाद 21 उसके बाद 3/10 और फिर 2/5 मैं तो पास के हमारा 105 सेकंड हमारा 112 थर्ड हमारा 120 फोर्थ हमारा 126 सेवेंथ क्वेश्चन हो गया सभी से? सेवेंथ क्वेश्चन में किसी को भी डाउट? नो सर मुझे है। तुम्हें है? एकमात्र बच्चा। सेवेंथ क्वेश्चन में क्या करना था? वो जो टू दे रखा है ना, अगर टू को फ्रैक्शन में नहीं दे रखा है तो टू बाय वन कंसिडर करो, दैट्स ऑल। अब हो जाएगा? यस सर। Yes, तो करवाना है या चले आगे? चलो आगे कहाँ चले, क्लास करनी है भाई। सर, हमें समझ नहीं आया। अब बिल्डर ध्यान से सुन लो, बहुत से बच्चों को डाउट है इसमें। अब बिल्डर यूजेस 2/5 ऑफ अवेलेबल लैंड, तो मान लो कि लेट लैंड अवेलेबल बी वन, मान लो वन प्रेजेंट है हमारे पास, या वन नहीं मानोगे तो टू मान लो, तो वो टू का पोर्शन निकल करके आएगा करस्पॉन्डिंगली। कहने का मतलब क्या है, अगर आपने क्या लिखना है? हाँ लिखना है बिल्कुल। अगर सर मुझे तो समझ आता तो तुम मत लिखो फिर, तुम लोग इतने इंटेलिजेंटली बात किया करो। हाँ आंसर बता रहे हो क्या? ठीक है बच्चा कर लेते आंसर जो बता रहे हो। लेट लैंड अवेलेबल भी वन, अगर वन की जगह पे टेन मानोगे तो वो टेन का पोर्शन निकल करके आएगा, ठीक है ना, वो करस्पॉन्डिंग पोर्शन निकल करके आएंगे, चिंता की बात नहीं है। तो मान लो कि लैंड टोटल जो प्रेजेंट है उसका जो मेजरमेंट है वो वन है, मान लो वन बाय वन है, तो उस वन में से क्या हो रहा है, पोर्शन ऑफ लैंड, या पोर्शन ऑफ लैंड लिख लो उसे, पोर्शन ऑफ लैंड फॉर रोड्स कितना दे रखा है, 2/5 ऑफ वन, वन का 2/5, तो ये 2/5 ही रहेगा। रोड्स एंड पार्क्स अगेन दूसरा पॉइंट, पोर्शन ऑफ लैंड फॉर क्या, कम्युनिटी हॉल सर 3/10 3/8 ऑफ वन। अब ध्यान से देखो, वन अगर नहीं लेते हैं, तो मान लो टू लेते हैं, फाइव लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो यहाँ पे टू आ जाता है, यहाँ टू आ जाता है, तो करस्पॉन्डिंगली कैलकुलेशन सेम ही आती है ना, आंसर सेम आता हमारा। एंड रेस्ट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ अपार्टमेंट्स, विच ऑफ दीज गेट्स द मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द लैंड, तो तीसरा पॉइंट क्या बनेगा, पोर्शन फॉर अपार्टमेंट। क्या करना पड़ेगा सर, तो हम इस क्वेश्चन में जो हमको रेस्ट पार्ट अपार्टमेंट्स के लिए दिया हुआ है वो भी निकालना होगा ना, कितना है वो निकालना पड़ेगा एग्जैक्टली। तो टोटल में से सारे माइनस कर दो, 1 माइनस 2/5 माइनस 3/8 कर दो, क्या फ्रैक्शंस के लिए हमारा 40। ये क्वेश्चन एक्चुअली यहां पे, एवं अपना माइक बंद करो तो मुझे बोलने दो, ये क्वेश्चन एक्चुअली इसने गलत दे दिया यहां पे। ये अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट कांसेप्ट में पढ़ेंगे कि एरिथमेटिक कैसे करते हैं फ्रैक्शंस का, लेकिन अगर नहीं, अगर ऑलरेडी आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कर लो। माइनस को बाहर निकाल दिया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आती है आप लोगों को? यस सर। माइनस वन को बाहर फेंक दिया निकाल करके, तो वन माइनस 2/5 प्लस 3/8, अगर माइनस को वापस ब्रैकेट के अंदर ले जाओगे तो वापस ऊपर वाला बन जाएगा वो। फ्रैक्शंस को एड करना किसे नहीं आता है? सबको आता है, ठीक है, आता है तो फिर ठीक है। देखो तो कितना आंसर आएगा उसका, 1 माइनस एलसीएम निकालना होगा उनका, एलसीएम एचसीएफ नहीं, एलसीएम। हां सर एलसीएम ही बोला है। 5 और 8 होता है 40, और यहां पे 40 को पहले 5 से डिवाइड करोगे तो 2 × 8 बनेगा, ये माइनस, माइनस नहीं प्लस है, 3, 40/8 करोगे तो ये 3 × 5 बनेगा, 1 माइनस 16, 16 प्लस 15 31।
क्या काम खत्म हो गया यहाँ पे? काम यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है. अब हमें कंपेयर, उसने क्या बोला है कि विच ऑफ दीज गेट्स द मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द लैंड, तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन निकालना है अभी. तो पहली चॉइस है हमारे पास में 9/40, दूसरी है 2/5 और तीसरी है 3/8. इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है? 40. निकालना पड़ेगा. सर मेरा, सर बुक के हिसाब से पहला क्वेश्चन आ रहा है आंसर, मतलब पहले वाला. यस सर. सर बुक के हिसाब से तो ऐसा है कि लैंड स्कोर रोड एंड पार्क्स. तभी तक निकाला कहां है आंसर? पार्क्स आर द मैक्सिमम एरिया. एलसीएम एग्जैक्टली 40 रहने वाला है. पहले 5 ले लो तो ये 1 बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा. हाँ तो 2 की टेबल में, 2 की टेबल इंक्लूड ऑलरेडी है 8 में. 8 का मतलब 3 बार 2 ऑलरेडी आ चुके हैं. तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 40. तो हमें बनाना है 2/5 को इस तरीके से बनाना है कि नीचे 40 आ जाए. तो क्या करेंगे, 5 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्चुअली 2 को भी 8 से करेंगे, तो ये बन जाएगा 16. ऑन द अदर हैंड 3/8 है हमारे पास, उसको 5 से करेंगे. एक दो, इन दोनों में तो ये बड़ा है, मतलब 2/5 बड़ा है, अभी तक इतना पता चला है. और तीसरा क्या है? 9/40 को तो कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी 40 है नीचे. तो सबसे बड़ा कौन सा है? ये. तो सबसे ज्यादा लैंड किसके लिए रिजर्व की हुई है? कॉपी करो इसे. सर ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लैंड्स फॉर रोड्स एंड पार्क्स गेट द मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द लैंड. बिल्कुल. लिख लिया. नेक्स्ट. नाइन्थ क्वेश्चन इन एन एग्जामिनेशन, 5/12 ऑफ द टोटल मार्क्स वर अलॉटेड टू मैथ्स. टोटल मार्क्स जितने भी है उसमें से 5/12 जो पोर्शन है वो मैथ्स के लिए है, 3/12 जो है वो लिटरेचर के लिए. ये सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा हुआ है, तो सबकी वैल्यू 1 से कम है. तो हम मान लेते हैं कि लेट्स टोटल मार्क्स भी 1. आप लोग 1 की जगह कुछ और भी मान सकते हो, लेकिन करस्पॉन्डिंग कैलकुलेशन सही करना. लेट टोटल मार्क्स भी 1. उसके बाद है लिटरेचर मार्क्स. रुको रुको, कितने बच्चों ने क्वेश्चन कर लिया ऑलरेडी? ये कितने बच्चों का आंसर आ गया है ऑलरेडी? सर मैंने कर लिया. सर मैंने दो ने. बाकी सब क्या कर रहे हैं? सर पहले जो लिटरेचर आएगा, फिर फिजिकल एजुकेशन और फिर लास्ट में कर लिया. ठीक है, बहुत से बच्चों का रिस्पांस आ रहा है, तो ठीक है क्रॉस चेक करो. मैंने भी कर लिया. इंक्रीजिंग ऑर्डर में
12 नीचे है, 12 नीचे है और 12 नीचे है, तो सबसे ज्यादा मैथ्स के मार्क्स होने वाले हैं। तो 5 बाई 12 इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। वैसे ये क्वेश्चन उसको नेक्स्ट एक्सरसाइज में देनी चाहिए, क्योंकि एरिथमेटिक हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है अगर आप लोग आता है फ्रैक्शन को ऐड करना। तो फिजिकल एजुकेशन एंड आर्ट्स में सबसे ज्यादा कम है ना, सबसे ज्यादा है नहीं, बीच में है, बीच में 4/12 है। सर बुक के पीछे कुछ और दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? यस सर। क्या दिया सर? बुक में लिखा हुआ है लिटरेचर, फिजिकल एजुकेशन और फिर मैथ्स। तो यही तो दे रखा है। अरे भैया 3/12 किसका पोर्शन है? लिटरेचर पीछे में दिया हुआ है, फिजिकल एजुकेशन पहले है, फिर लिटरेचर है, फिर मैथ है। बुक में यही दे रखा है, लिटरेचर, फिजिकल एजुकेशन, फिर मैथ्स। यही आंसर है इसका। ओके बुक में गलत दे रखा है तो सही कर लो उसे। ओके सर। 10th क्वेश्चन, Sunita reads 3/5 of a book on the first day and 1/3 on the second day. On which day she read more? So 3/5 और 1/3 को compare करना है। तो ये first day है। First day पे उसकी reading है। उससे ज़्यादा पढ़ा है। और second day पे उसकी reading कौन सी है? 1/3। तो हम क्या करेंगे? 3 को यही रहने दो, 1 को वही रहने दो। इसे cross multiply कर दो, इसे भी cross multiply कर दो अपने denominators को। ये 9 देगा, ये 5 देगा। अगर ये बड़ा है तो फिर ये बड़ा है, तो इसका मतलब सुनीता रीड मोर ऑन फर्स्ट डे। फर्स्ट डे क्या आपका आंसर यही आया था? यस सर। यस सर। करो कॉपी और फिर नेक्स्ट टॉपिक डालो। कर लिया सर। सबने ठीक है, कॉपी करने में जवाब नहीं तुम्हारा। ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, तो मल्टीप्लिकेशन भी है क्या यहाँ पे? ध्यान रहे मैं आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी करवा रहा हूँ, तो वो 7th क्लास में काम आएगा आप लोगों के लिए। तो ये बुक में कुछ आपको क्या कर रखा, बुक में कैसे एक्सप्लेन किया हुआ उसने? लाइक फ्रैक्शन मतलब जिसके डिनोमिनेटर सेम है उसे कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, या फिर अनलाइक फ्रैक्शंस जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, तो वैसे उसने अलग अलग पोर्शन वाला रखे हैं। तो मैं आपको वो पोर्शन नहीं लिखाने वाला, डायरेक्ट एग्जाम्पल्स लिखो। सारा फोकस रहे आपका डिनोमिनेटर पे। क्या स्क्रीन ब्लर आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। अब सही है सर? सर अब थिंकिंग ब्लर क्लियर हो, अब क्लियर है। ठीक है, क्लियर है। एग्जांपल लिखो कुछ। अगर प्लस है तो प्लस कंसीडर करेंगे, माइनस है तो माइनस है, उसमें कोई बड़ा रोल नहीं प्लस और माइनस का, क्योंकि माइनस भी क्या होता है, एक तरह का सब्ट्रैक्शन होता है, माइनस को ब्रैकेट के अंदर पहुंचा देता है, तो वो बाद में देखेंगे। एक बार हमें क्या करना होता है यहाँ पे, अगर आपको डिनोमिनेटर सेम दिख जाए तो उसे ले लो कॉमन और ऊपर जो नंबर है वो डायरेक्टली लिख दो ऐसे, तो आंसर हो जाएगा 7/5। इसे लिखो एक बार, एक बार इसे कॉपी करो फिर आगे चलते हैं। एक सेकंड।
हो गया लिख लिया गया नो सर यस सर लिख लिया सर माइनस वन क्यों आया है माइनस वन क्यों आया बहुत ही बढ़िया सवाल है प्लस तीन इंटीजर लिखा हुआ है माइनस फोर प्लस थ्री माइनस फोर करना है तो इसे क्या लिख सकते हैं प्लस थ्री तो है ही ऑलरेडी माइनस को हम क्या लिख सकते हैं माइनस माइनस फोर लिखा हुआ है ना इसे क्या लिख सकते हैं माइनस फोर ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं साइन दोनों का अपोजिट है तो माइनस और दोनों का डिफरेंस वन इंटीजर्स का भूल गए अरिथमेटिक सर आपने साइड में समझाया वो लिखना है नहीं आता है तो लिख लो अगर आता है तो मत लिखो आता है ऑलरेडी लिखने की जरूरत नहीं है सर लिख लिया हो गया लिख लिया हो गया सर तीसरा एग्जांपल फाइव कॉमन लोगे लेकिन ऊपर माइनस तीन है तो माइनस तीन ही लो या प्लस प्लस चार है तो ये लिखो अब माइनस तीन वो लिखा हुआ है ये वन बाय फाइव आंसर आने वाला है और क्यों आएगा क्योंकि माइनस तीन यहाँ है प्लस प्लस फोर लिख सकते हैं इसको ये कितना दे देगा आपको इसे कॉपी करो जल्दी से सर समझ नहीं आया क्या समझ नहीं आया ये नहीं आया ये नहीं आया यस सर तुम्हें फोर माइनस थ्री करना नहीं आता है और तुम लोग सिक्स क्लास में हो माइनस थ्री प्लस फोर है यहाँ पे माइनस थ्री ये तो समझा रखा है ना साइड में समझ क्या नहीं है ये नहीं मेरे को नहीं समझ में आ रहा तुम्हें क्या समझ नहीं आया तीन माइनस तीन लिखा हुआ माइनस तीन लिखा हुआ है प्लस प्लस में फोर लिखा हुआ है प्लस फोर लिख सकते हैं उसको प्लस प्लस मिलकर प्लस ही तो बनेंगे वापस हमें इंटीजर्स का एडिशन आता है सब्ट्रैक्शन नहीं आता है तो हमें कुछ कुछ भी करके यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लाना होता है भूल याद करो या फिर वीडियो जाकर के देखो इंटीजर्स की माइनस तीन और प्लस फोर है साइन अपोजिट है साइन अपोजिट है तो डिफरेंस निकलेगा दोनों का तीन और चार का डिफरेंस वन और साइन बड़े नंबर का आता है तो प्लस आ गया ओके सर अभी भी कुछ समझ नहीं आया जाकर के पहले वीडियोस देख करके आओ इंटीजर्स की जाओ नेक्स्ट इसका क्या करेंगे फाइव कॉमन ले लो या माइनस तीन है माइनस तीन लिख दिया या माइनस ही नीचे माइनस लगा था क्या फोर लिख दिया माइनस सेवन बाय फाइव मैंने जो लिखा है इसमें किसको डाउट है माइनस तीन है माइनस तीन लिख दो क्योंकि पहले वाले इंटीजर के साथ कुछ नहीं करना होता है बीच में प्लस लाने के लिए यहां करना होता है मैनिपुलेशन तो ये माइनस फोर लिखा हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं माइनस को क्या लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस कर देंगे इसको अरे भाई माइनस रहना चाहिए कुल मिला करके तो प्लस माइनस फोर लिख दो इसको बीच में तो प्लस चाहिए ना हमें ऐसे करते हैं क्योंकि प्लस और माइनस मिलके फाइनली तुम्हें ये देंगे क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए उधर प्लस हुआ दो माइनस का साइन है ठीक है माइनस सेवन बाय फाइव सर पर माइनस माइनस तो प्लस हो जाते हैं वो मल्टीप्लिकेशन में होता है तुम लोगों ने यूनिट टेस्ट सेकंड दिए कैसे अगर तुम्हें इंटीजर्स नहीं आता तो इसीलिए नंबर कटे भी है सबके बढ़िया तो जाकर के बारे इंटीजर्स की वीडियोस देख करके आओ वरना कुछ नहीं हो सकता तो कॉपी करने के लिए ऑप्शन है क्या तुम लोगों के पास में अगर डेली का रिवीजन नहीं करते ये इसीलिए ये हाल हो रखा है तुम लोगों का तो ये बात रही अभी तक हमारी जब डिनोमिनेटर सेम था अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा तब क्या करोगे
ये 3/5 है प्लस 4/7 है. अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? एलसीएम लो डायरेक्ट. 5 और 7 का एलसीएम नीचे लिख देना 35. स्टेप्स अभी से याद कर लो, स्टेप्स अभी से याद कर लो. यहाँ पे क्या आता है? बीच में यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा. ऊपर क्या आएगा? 35 को डिवाइड करो 5 से तो 7 आता है. तो 7 मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले नंबर से 3. अगर 3 माइनस का होता तो माइनस लिख देते, प्लस का है तो प्लस. आंसर प्लस लिख दिया. नेक्स्ट 35 को 7 से डिवाइड करो तो ये 5 देगा और मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले नंबर से 4 देगा. ये बनेगा बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लीकेशन सॉल्व होगा. तो यहाँ 20 आएगा, देन यहाँ पे 21 आएगा और नीचे 35 आएगा. हाँ तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया. तो हाँ अच्छा, आप लोग कहना चाह रहे हो कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, ऐसा? यस सर. 0.5 और 0.7 को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 1.2. ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन सॉरी ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. वही कहानी हो रखी है. भाई दो छोटे छोटे को ऐड करोगे तो जरूरी थोड़ी ना है वो प्रॉपर ही रहेंगे हमेशा. इम्प्रॉपर में कन्वर्ट होने ही होने, कभी तो वन से बाहर निकलेंगे ना ऐड हो के. नहीं आया समझ? आगे चले, आगे चले, आगे सर. करो एक बार तुम लोग, फिर मैं बताता हूँ. कर लिया सर. कर लिया? यस सर. नो सर. मैं क्वेश्चन लिखने की बात नहीं कर रहा था, आंसर लिखने की बात कर रहा हूँ भाई. तभी सोचो तुमने इतनी जल्दी कैसे कर लिया. नीचे एलसीएम कितना आएगा? 9/11 का एलसीएम 99 को 9 से डिवाइड करना, 11 आएगा. 11 माइनस 3 है तो माइनस 3 लिख दो. प्लस 99 को 11 से डिवाइड करो, 9 आएगा. ऊपर 4 है वो भी प्लस का है तो 4 लिख दो. माइनस 33 प्लस 36 माइनस 36 प्लस 36 लिखा हुआ है, इसे क्या लिख सकते हैं? माइनस 33. अभी लिखने के आदत छोड़ो, अब डायरेक्ट क्या करो? प्लस लगा हुआ ऑलरेडी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्लस का 36 प्लस का माइनस का 33, साइन दोनों के अपोजिट, मतलब दोनों का डिफरेंस निकलेगा 3 और साइन आएगा क्या? नहीं किसे समझ नहीं आया? किसे नहीं आया समझ? सर प्लस में आएगा. सर मेरे को भी नहीं आया. कहाँ से नहीं आया? ये वही बोल रहा हूँ, इंटीजर्स की कैलकुलेशन नहीं आती तो फिर जाओ वीडियो जाकर के देख के आओ. मुझे मुझे प्लस 3 भी समझ नहीं आया. प्लस 3 का 1/9 कैसे हो गया? ये 1/33 तो छोड़ो अभी. ये कैसे आया ना, यहाँ से ये कैसा है पहले ये सीखो. ऊपर माइनस का 33 है तो मैं इंटीजर्स का एडिशन नहीं आता है. माइनस का 33 लिखा हुआ है, प्लस प्लस 36 है. वो एक माइनस है एक प्लस है, दोनों का डिफरेंस निकलेगा 3 और बड़ा ये है तो प्लस आएगा. सर वो तो बताया, पर 33 है. 33 है, बीच में प्लस हो रहा है सर, बीच में प्लस हो रहा है, माइनस नहीं हो रहा है. आप माइनस कर रहे हो. यस सर. हां तो बीच में प्लस है ना. यस सर, ये प्लस हो रहा है, आप माइनस कर रहे हो. यस सर. तो लेकिन ये माइनस है ना भाई, यहां पे सर माइनस नहीं होगा. सर माइनस होगा क्योंकि साइन माइनस होता है तो माइनस होता है.
तुम लोगों का पहले का रिवीजन नहीं है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। सर वो तो समझ आ गया कि प्लस माइनस आंसर पर प्लस माइनस 33 प्लस लिखा है, प्लस होना चाहिए, आप माइनस कर रहे हो। तुम लोगों का हाल देखते मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इंटीजर की क्लास फिर से लेनी पड़ेगी, तो नेक्स्ट वीक में मुझे याद दिला देना एक बार ना। इंटीजर्स बहुत से बच्चों को नहीं आता, सिर्फ 3 या 4 बच्चे ऐसे हैं पूरी क्लास में देख रहा हूँ मैं जो सही से रेस्पॉन्स कर पा रहे हैं। तो ठीक है नहीं आता तो कुछ नहीं कर सकते, एक बार रिविजन करेंगे। चुप हो जाओ, बकवास बंद करो, पहले सुन लो पूरा। सर आपने जो इंटीजर का किया है वो तो समझ में आ रहा है, पर 1/33 कैसा है ये समझ में नहीं आ रहा। ये 3 के टेबल से कट गया है, 3 की 3 इसका कॉमन फैक्टर है, कट के 1/33 आ गया। अच्छा सर आपने काट दिया, समझ आ गया। सर आपने कट किया है, सर अब आ गया, अब समझ आ गया। तुम लोगों को समझ में नहीं आया है, झूठ झूठा हां बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो सर सच में आ गया, नेक्स्ट वीक में इंटीजर्स का रिवीजन करेंगे, तो वो एक क्लास आप लोग याद दिला देना या हम डे डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा हाल तो ऑलरेडी बुरा हो ही रखा है और यूनिट टेस्ट में दिख गया तुम लोग कितना आता है, ठीक है ना। तो पढ़ लेना चुपचाप रिवीजन में, और इंटीजर्स का एडिशन सीख लो इसी क्लास में। 7th क्लास के बच्चे भी ऐसे कुछ हैं जिनको नहीं आता है तो फिर वो भी लटकते हैं बहुत से क्वेश्चंस में, तो अगले हफ्ते समझ लेना, ठीक है। अभी के लिए क्या करोगे तुम लोग, हाँ एक क्वेश्चन ये लिखो पहले। ना 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 7 marks पॉसिबल ही है। कैसे करेंगे इसे? पहले इसको इम्प्रॉपर में कर देंगे। एग्जैक्टली इम्प्रॉपर में कर देंगे। फिर सर इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे नीचे 7 आएगा ही आएगा, और क्या करोगे 38 आ जाएगा। हाँ सर। तो क्या करोगे? ये 3 × 5 आपको क्या 5 नीचे देगा, ऊपर क्या देगा 19 देगा। 7 और 5 का एलसीएम होता है 35। 35 बाय 7 करोगे 5 देगा आपको और ऊपर 38 है ही, प्लस ये 7 देगा 19। 38 × 5 होता है 190, प्लस 19 × 7 होता है कितना 95, 114, 133। ये कितना देगा आपको 3 और ये देगा 32, सही है? ये सर समझ आ गया। यस सर। सही है ना? यस सर। यस सर। अच्छा। सर मतलब कि अगर इम्प्रॉपर मतलब अगर मेरे क्वेश्चन होता है उसको इम्प्रॉपर में करके उसका एलसीएम निकाल कर जैसे हम नॉर्मल लस करते हैं वैसे करना। हाँ एग्जैक्टली। मिक्स्ड फ्रैक्शन को डायरेक्ट ऐड करने का हमारे पास में कोई फॉर्मूला नहीं है, इसे इम्प्रॉपर में करेंगे और फिर वैसे ही करेंगे जैसे बाकी क्वेश्चंस कर रहे हैं, है ना। तो देखो एक बार, नहीं समझ में आता तो पूछो। तो समझ में आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, इसे कैसे करेंगे? 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। माइनस 2/12 को क्या कर सकते हैं हम लोग? 27/25। सर इसे इंप्रॉपर कर देंगे। हाँ कर दिया, बिल्कुल इंप्रॉपर कर दिया, ठीक है कर दिया है। तो सर इसका एलसीएम भी 12 आ जाएगा। ये ठीक है 8 × 12। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर।
ठीक है छोड़ो, मेरे गुस्सा करने से अच्छा है कि तुम लोगों को इंटीजर्स का रिवीजन करा देने में फायदा है ना, क्योंकि गुस्सा मुझे इसलिए आ रहा है क्योंकि तुम लोगों को मैंने बोला था यूनिट टेस्ट सेकंड से पहले ही, और 10 दिन 8 से 10 दिन का तुम लोगों को टाइम दिया था मैंने इंटीजर्स के ऊपर फोकस करने के लिए है ना, कोर्स को वहाँ पे हमने होल्ड पे रखा हुआ था, हम आगे नहीं बढ़ रहे थे, मैं रिविजन करवा रहा था, तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा था, और उसके बाद भी हाल ये है कि तुम लोग इजी क्वेश्चन भी इजी इंटीजर्स का अरिथमेटिक भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि तुम लोग सबके सब काम जोरे दिखाते हो तो तुम लोग खुद भी दुखी होते हो, तुम लोग तो हो दुखी, मुझे भी कर देते हो। तो ये आखिरी बार है, नेक्स्ट वीक में क्लास इंटीजर्स के एडिशन की रहेगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो इजी है, वो लोग तो तुम लोगों ने कर भी लिया था एग्जाम में देखा, लेकिन एडिशन किसी को नहीं आया था ज़्यादातर बच्चों को। तो ये आखिरी क्लास होगी नेक्स्ट वीक में, और इसके बाद भी अगर नहीं आता तो फिर तुम कोई दूसरा तरीका ढूंढ लेना, ठीक है? तो मतलब कि हम जब भी फ्रैक्शंस में प्लस और माइनस निकालते हैं उसमें इंटीजर्स लगेगा, जब भी माइनस और प्लस निकालते हैं उसमें इंटीजर्स का फॉर्मूला लगेगा, वो तो कहीं भी लग सकता है। आगे हम पेरीमीटर्स पढ़ेंगे, एरियाज पढ़ेंगे, स्क्वायर सर्कल्स रेक्टेंगल्स के, तो एरिथमेटिक तो हर जगह काम आती है भाई, नंबर्स का गेम। एरिथमेटिक का मतलब क्या, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किसका, नंबर्स के बीच में, और मैथ्स में अगर नंबर्स प्रेजेंट नहीं किसी ब्रांच में मैथ्स के तो वो मैथ्स बची कहाँ फिर, तो ये तो हर जगह आने वाला है, तो कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा आपका, ये सीख लेने में फायदा है। ओके सर, ठीक है ना, चलो बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो फिर हो सकता है वहां से भी कुछ प्रैक्टिस हो जाए आपकी। एक काम करो, आज के लिए हो जाओ फ्री, रिवीजन कर लेना ढंग से, होमवर्क फॉर वीकेंड रहेगा एक्सरसाइज 6 पॉइंट पूरा। पूरा क्या, सैटरडे आज फ्राइडे है ना, कल सैटरडे हो, और सैटरडे को फ्री हो तुम लोग और संडे को फ्री हो? नो सर, सैटरडे क्लासेस होती है। यस सर, सैटरडे की, सैटरडे को सिर्फ ड्राइंग की और बाकी मिसलेनियस क्लासेस ही है ना, मेन सब्जेक्ट्स की क्लासेस नहीं है, करना पड़ेगा संडे। आज का दिन है तुम लोगों के पास में, संडे का दिन है और कल का भी दिन है, आधा दिन तो मान लो क्लासेस होती थी। क्लासेस सर आपने सिंपलीफाई तो सिखा ही नहीं है। सिंपलीफाई क्या नहीं सिखाया, सिंपलीफाई का मतलब वही है सॉल्व करना। आज क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हो ना, एक्सरसाइज 6.2 में सिंपलीफाई का मतलब वही है कि सॉल्व करना। ट्राई करो एक बार, मंडे को डिस्कस करेंगे फिर ये।